बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ रामी आप देखना शुरू कर चुका हूँ बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और अखिलेश यादव को उत्तराखंड के इन चुनाव नतीजों से कहीं ना कहीं संजीवनी महसूस हुई है या उनको खुशी जरूर महसूस हुई है। अब आप कहेंगे कि झारखंड के अंदर बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी वहां पर एक सीट भी नहीं जीत पाई। वहीं समाजवादी पार्टी भी 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो भी वहां पर सीट नहीं निकाल पाई और फिर उसके बावजूद भी उनको इतनी खुशी क्यों। वैसे आपको बता दें कि झारखंड से वैसे भी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकती जितने की लगाई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी तो यहां अभी तक शायद खाता नहीं खोल पाई। वहीं बहुजन समाज पार्टी हर बार तो नहीं लेकिन कई बार एक एक विधायक जीता चुकी है। पिछली बार उनका एक विधायक था और इस बार उनका एक भी विधायक नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि नतीजों से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती दोनों को कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके अलावा न केवल मायावती अखिलेश यादव बल्कि जो अन्य क्षेत्रीय दल है उनको भी कहीं ना कहीं खुशी महसूस जरूर हुई है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले आपको बता दें कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने लीड करना शुरू किया था तो तमाम राज्यों के अंदर बीजेपी की दमदार सरकारें आ रही थी। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी साल दर साल हर चुनाव उनका बहुत ही भारी तरीके से वो चुनाव जीत रहे थे। और आपको बता दें कि 2 पार्टियां रह गई थी, कांग्रेस या बीजेपी। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस हुआ करता था और मुख्य पार्टी बीजेपी हुआ करती थी। क्षेत्रीय जो दल थे उनको 0% वोट नसीब हो रहे थे, 0 सीटें नसीब हो रही थी या उनका ये लोग कहने लगे थे कि इनका अस्तित्व भी अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 5 साल के अंदर 2014 से 2019 आते आते ये सब कुछ बदल गए। आपको बता दें कि 2019 ने इतना सब कुछ सिखाया है कि इससे साफ हो चुका है कि क्षेत्रीय दल ही अब राजनीति के अंदर सबसे अग्रणी भूमिका में रहेंगे। इसका कारण भी आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 के अंदर 3 बड़े राज्यों के चुनाव हुए जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों राज्य हैं। आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार थी और आपको बता दें कि अब तीनों ही राज्यों के अंदर में से 2 राज्य उनके हाथ से निकल चुके हैं और एक उनका जो राज्य है वो बैसाखी के सहारे खड़ा है। बात करते हैं हरियाणा की तो आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर एक छोटी सी पार्टी जो निकल कर आई और जनता जननायक दल जो है उसको वो निकल कर आई और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाया। मतलब यहाँ भी सरकार के अंदर क्षेत्रीय दल का बहुत बड़ा रोल है और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला वो खुद उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उधर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के अंदर भी जो क्षेत्रीय दल है शिवसेना और एनसीपी उनके हाथ में ही पूरी राजनीति की चाबी है। वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस का कुछ भी जनाधार नहीं है, दोनों ही पार्टियां बाहर से समर्थन देने की तैयारी में है, इसके अलावा और उनके हाथ में नहीं है। अब झारखंड के जो चुनाव नतीजे हैं उससे भी एक चीज साफ है कि यहां पर भी शुभ सोरेन और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पूरा का पूरा चुनाव है उन्हीं के इर्द गिर्द बनकर रह गया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के लिए ये इसलिए संजीवनी है क्योंकि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों को पिछले चुनाव के अंदर बहुत ही बुरी करारी हार नसीब हुई थी। इस वजह से इन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनसे देखते हुए ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब 2022 में चुनाव होंगे, योगी सरकार के खिलाफ चुनाव होंगे, उस समय यहां पर क्षेत्रीय दल जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर सपा और बसपा साथ आते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा समीकरण बदल भी सकते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप चलते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आया।